तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 पे है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे ये बोलता है कि सर वो आर्टिकल नहीं हुआ, ये आर्टिकल नहीं हुआ, वो आर्टिकल नहीं हुआ। अब ऐसा बच्चे इसलिए बोलता है क्योंकि बच्चों को सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। इसीलिए ऐसे बच्चों के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उस चीज़ को यूज़ करते हुए धीरे धीरे अपने को चलना पड़ेगा। तो वो सिंपल सी चीज़ कुछ इस तरह से है कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है और सब्र करते हुए चलना है। लेकिन अब लेक्चर चालू करने के पहले मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम अपने दुश्मनों की जान को अपनी जान समझते हैं, हम अपने दुश्मनों की जान को अपनी जान समझते हैं, और मोहब्बत से भरी इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं मेरे बच्चे। तो मैं भारत माता को प्रणाम करते हुए अपने वीडियो को अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपन मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे बात हो रही थी मोल कंसेप्ट की, अपन मोल कंसेप्ट देख रहे थे। और मोल कंसेप्ट के अंदर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे, अपन ने ये देखे थे कि मान के चलो अपने पास 1 मोल है, अपने पास 1 मोल है, तो 1 मोल इज इक्वल टू देखा गया था 6.022 × 10⁻²। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ हुआ था। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना, 1 मोल इज इक्वल टू इतना। फिर अपन ने ये देखे कि 1 मोल इज इक्वल टू इतना ज़रूर है, लेकिन इतने पार्टिकल है बच्चों, इतने ये पार्टिकल है। जैसे कि अपन ने ये बोले कि 1 दर्जन मतलब कितना, 1 डजन मतलब कितना, तो 1 डजन मतलब 12 होता है, 1 डजन का मतलब 12 है। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 जरूर है या 1 डजन इज इक्वल टू 12 जरूर है, पर वो 12 क्या है, वो 12 क्या है? तो वो 12 पेन हो सकता है, वो 12 हाथी हो सकता है, वो 12 टेबल हो सकता है, वो 12 किताबें हो सकती है। मतलब मैंने 1 दर्जन पेन अगर बोला तो 12 पेन हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मैंने 1 मोल बोला, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²। पार्टिकल है। फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखे थे कि ये जो पार्टिकल है केमिस्ट्री के अंदर, ये पार्टिकल एक तो एटम्स हो सकता है, यही पार्टिकल एक तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, इन्हीं पार्टिकल को मैं आयंस भी बोल सकता हूँ, इन्हीं पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता हूँ, या इन्हीं पार्टिकल को मैं प्रोटॉन्स भी बोल सकता हूँ। ना जाने ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ये पार्टिकल एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। उसके बाद ये देखा गया कि ये जो 6.022 × 10⁻²³ है, इस नंबर को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था अवोगाड्रो। अवोगाड्रो नाम का साइंटिस्ट था, इसीलिए उसके एट्रिब्यूट में उसके मरने के बाद उसकी यादों को ताजा रखने के लिए ये जो नंबर है इस नंबर को अवोगाड्रोज नंबर बोला गया। दैट नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रो नंबर। और ये जो अवोगाड्रोज नंबर अपने सामने आता है, इस अवोगाड्रो नंबर को एन ए से डिनोट किया जाता है या एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। मतलब ये जो 6.022 × 10⁻²³ है, इसको अपन अवोगाड्रोज नंबर बोल सकते हैं, जिसको अपन एन ए से डिनोट करेंगे। तो यहां से एक चीज मेरे को पता चली कि अगर मैंने वन मोल बोला तो ये जो 6.022 × 10⁻²³ है, इसको अपन एन ए बोलेंगे, इसको एन ए बोलेंगे, तो 1 मोल इज इक्वल टू एन ए पार्टिकल, 1 मोल इज इक्वल टू एन ए पार्टिकल हुआ। अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही ये देखे थे कि 1 मोल इज इक्वल टू एन ए पार्टिकल, तो 2 मोल इज इक्वल टू 2x NA पार्टिकल, 3 मोल इज इक्वल टू 3x NA पार्टिकल, यहां तक की कहानी अपन ने पढ़े थे। इस लेक्चर के अंदर अपने को करना क्या है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अपन बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट की, तो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए या मोल कंसेप्ट के सवाल कैसे आते हैं और उनके साथ किस तरह से डील किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मोल कंसेप्ट की मैं बात करने लगा तो अपने को पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये नंबर ऑफ मोल क्या होता है या
फिर नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का तरीका क्या है, तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये जो नंबर ऑफ मोल है, इस नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। मैं नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट करूंगा। अब मान के चलो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ मोल मैं कैसे फाइंड करूं, या नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का तरीका क्या है। तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के दो तरीके हैं, या नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए मैं दो फार्मूलों को यूज कर सकता हूं। अब मान के चलिए नंबर ऑफ मोल मुझे फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल मुझे फाइंड करना है, और पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर किसी सब्सटेंस का मेरे को मास दिया है, क्वेश्चन के अंदर सब्सटेंस का मास दिया है और मेरे को नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो ऐसे कंडीशन में मैं यहां पे फार्मूला यूज करूंगा गिवन मास। यहां पे मैंने गिवन मास लिखा और गिवन मास को मैं डिवाइड करूंगा मोलर मास से, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का पहला फार्मूला है। गिवन मास को मोलर मास से अपन ने डिवाइड कर दिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको यूज करके अपन नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो गिवन मास है वो क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर किसी क्वांटिटी का मास मेरे को दिया है, जिसको अपन गिवन मास बोलेंगे, जिसको गिवन मास बोला जाएगा। मोलार मास अपने को नहीं दिया रहेगा, मोलार मास अपने को नहीं दिया रहेगा, मोलार मास अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलार मास कैसे फाइंड करते हैं या मोलार मास क्या होता है, वो इसी लेक्चर में थोड़ी देर के बाद अपन पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बताया। ये फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह पे यूज होगा, इसीलिए ये फार्मूला अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ध्यान में रखते हुए चलना है कि नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तब की बात है जब क्वेश्चन के अंदर किसी क्वांटिटी का मास दिया है, किसी क्वांटिटी का मास अगर दिया है तो इस फार्मूले के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन मान के चलो क्वेश्चन के अंदर किसी क्वांटिटी का वॉल्यूम मेरे को दिया है, मास दिया है, तो मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास के साथ जाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर किसी क्वांटिटी का वॉल्यूम मेरे को दिया है, क्वेश्चन के अंदर किसी क्वांटिटी का वॉल्यूम मेरे को दिया है, तो जब वॉल्यूम दिया हो तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम अगर मेरे पास दिया है तो वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए मैं दूसरा फार्मूला यूज करूंगा, जो फार्मूला कुछ इस तरह सा है। मैं लिखूंगा गिवन वॉल्यूम, मैं यहाँ पे गिवन वॉल्यूम लिखूंगा और गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम लिखूंगा। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम मैंने लिखा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम अपन ने लिख लिए। ये नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का दूसरा फार्मूला है और ये दोनों के दोनों फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। कि आधी रात में मैंने आप लोगों को ये पूछा कि बच्चों बताओ नंबर ऑफ मोल मैं कैसे फाइंड करूं, जबकि क्वेश्चन के अंदर किसी क्वांटिटी का मास मेरे को दिया है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर अगर मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए अपन गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास जब मास दिया हो। अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल मेरे को फाइंड करना है, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम दिया है, क्वेश्चन के अंदर मेरे को वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम दिया हो तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए अपन गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब गिवन वॉल्यूम मतलब ऐसा वॉल्यूम जो क्वेश्चन के अंदर दिया है, गिवन वॉल्यूम का मतलब ऐसा वॉल्यूम है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा कि मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन के अंदर ये जो मोलार वॉल्यूम लिखा है, क्वेश्चन के अंदर ये जो मोलर वॉल्यूम अपन ने लिखे हैं, इस मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चों, मोलार मास की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मोलार वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 लीटर होती है।
मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, किसी भी गैस का जो मोलार वॉल्यूम होता है, किसी भी गैस का जो मोलार वॉल्यूम रहेगा वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। और कल के लेक्चर में मैंने ये बताया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, तो मैं 22.4 लीटर को 22.4 डीएम क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो अच्छी बात होने लगी, मैंने ये बोला कि मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कैलकुलेट करने की गरज नहीं है, मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। तो मोलार वॉल्यूम की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, 22.4 है, ये किसी भी गैस के लिए हुआ, तो मोलार वॉल्यूम की वैल्यू ये एसटीपी पे है या फिर एनटीपी पे है, या फिर एनटीपी पे है। अब एसटीपी का मतलब क्या होता है, एनटीपी का मतलब क्या होता है, ये आने वाले समय में शायद अपने को धीरे-धीरे पता चलेगा। अब देखो, तो मोलार वॉल्यूम एट एसटीपी एट एनटीपी ऐसा नाम दिखा तो घबराने की कोई गरज नहीं है। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टीपी का मतलब टेम्परेचर प्रेशर है, एस का मतलब स्टैंडर्ड और एन का मतलब नॉर्मल होता है। तो मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 22.4 लीटर, ये दूसरी चीज है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट वाले अपने को पता चले कि नंबर ऑफ मोल मेरे को फाइंड करना है और मास दिया है, तो मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करूंगा। नंबर ऑफ मोल मेरे को फाइंड करना है और वॉल्यूम दिया है, तो मैं गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम करूंगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम मतलब दिया हुआ वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन सवाल यह उठता है कि गिवन मास मतलब दिया हुआ मास, गिवन मास मतलब दिया हुआ मास, तो मोलर मास का मतलब क्या है? तो यहां पे अभी अपने को पढ़ना पड़ेगा मोलार मास। अपन यहां पे मोलार मास की बात करेंगे कि आखिरकार किसी भी कंपाउंड का मोलार मास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का मोलार मास क्या होता है, या मोलार मास को कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलार मास का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो मोलार मास है बच्चों, ये जो मोलार मास है, इसी मोलार मास को अपन मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकता है, दैट मोलार मास इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल का वेट। अब किसी एटम के वेट की मैं बात करने लगा, मान के चलो मेरे पास एटम है, मेरे पास एटम है, तो एटम के अंदर एटम का जो वेट रहेगा, एटम के अंदर एटम का जो वेट है, मतलब एक एटम का जो वेट होता है उसको अपन एटॉमिक वेट बोलता है, दैट वेट इज कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। और इसी एटॉमिक वेट को मैं एटॉमिक मास भी बोल सकता हूं, एटॉमिक वेट को मैं एटॉमिक मास भी बोल सकता हूं। एक एटम का मास, एक एटम का मास मतलब हुआ एटॉमिक मास, एक कच एटम का मास मतलब एटॉमिक मास हुआ। अब मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम हो सकते हैं, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम से बना होगा, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम से बना होगा, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे। तो मान के चलो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, फिर ये मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल का मास होगा, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल का मास होगा, और जो मॉलिक्यूल का मास होगा उसी को अपन मोलार मास बोलेंगे। द मास ऑफ मॉलिक्यूल, द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोलार मास, और इसी मोलार मास को मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता है। मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, या इसी मॉलिक्यूलर मास को अपन मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकता है। मेरे बच्चे ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है, एक कच एटम का मास मतलब एटॉमिक मास हुआ, एक ही एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास मतलब मोलार मास। तो सवाल ये उठने लगा कि मैं मॉलिक्यूलर के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल का जो मोलार मास है वो कैसे कैलकुलेट करूं, या फिर मॉलिक्यूलर वेट में कैसे कैलकुलेट करूं। तो मोलार मास कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, वो अपने को ध्यान में रखना है। यहां पर मैंने लिखा सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल।
प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोलार मास, जिसको अपन मोलार मास बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इज कॉल्ड एज, इसी को अपन ने मोलार मास बोले, इसको मोलार मास बोला गया। इसका मतलब क्या होता है उसके तरफ ध्यान दीजिएगा। अपन ने लिखे अपने को मोलार मास होना, तो यहाँ पे मोलार मास को इस तरह से डिफाइन किया गया, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने सारे एटम प्रेजेंट होंगे उन एटम के एटॉमिक मास का अगर मैं सम करता हूँ तो उस मॉलिक्यूल का मोलर मास मेरे को पता चलेगा। लेकिन अब आप लोगों के मन में और एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा, आप लोग मुझे ये बोलोगे कि सर अच्छी बात है मोलार मास में कैलकुलेट करूंगा, लेकिन मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे एटम का एटॉमिक मास पता होना। तो एटम का एटॉमिक मास कितना होता है वो अभी अपन यहां पे देखेंगे। कुछ चुनिंदा एटम अपन देखेंगे जिनको केमिस्ट्री के अंदर अपने को यूज करते हुए चलना पड़ेगा। अब जनरली बच्चों लोअर स्टैंडर्ड में अपन ने ये पढ़े हो कि ये जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या फिर एटॉमिक मास ऑफ एन एटम लिखता हूं तो ये होता है टू इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ये अपन ने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रखे हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके एटॉमिक नंबर का डबल रहेगा। लेकिन ये जो लोअर स्टैंडर्ड में चीज अपन ने पढ़े है ये कुछ एटम के ऊपर काम तो करती है, मतलब ये जो फार्मूला है ये कुछ एटम के ऊपर काम करेगा, लेकिन ये फार्मूला हर एक एटम के ऊपर काम नहीं करता। इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से एटम का एटॉमिक मास अपने को पता होना उसको अपन लिस्ट आउट यहां पे कर लेंगे और उनको अपने को याद रखना पड़ेगा, उनको अपने को मेमोराइज करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ एटम्स मैं लिखूंगा और उन एटम का यहाँ पे मैं एटॉमिक मास लिखूंगा। मतलब एक छोटा सा टेबल अपन बनाएंगे और उस टेबल को यूज करके कुछ एटम के एटॉमिक मास अपने को पता चल जाएंगे। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, मान के चलो पहला मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर वन है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने लगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन के एक एटम का मास 2 नहीं होता, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है और ये 1 होता है बच्चे AMU। यहां पे मैं AMU लिखता हूं, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये कोई यूनिट नहीं है, ये जो एटॉमिक मास है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ध्यान में रखना है। मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं और ये एटॉमिक मास का ये जो AMU मैंने लिखा ये कोई यूनिट नहीं है, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है मेरे बच्चे। एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब किताबों के अंदर इस एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला गया है, तो इस AMU के जगह पे थोड़ी देर के लिए अपन ग्राम मानते हुए चल सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हुआ। उसके बाद अगर मैं कार्बन की बात करने लगा तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है बच्चे, ये फार्मूला यहां पे बराबर फिट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 टू जा 12 हो गया। इसीलिए बोला था कि ये जो फार्मूला अपन ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े है ये कुछ एटम्स के ऊपर काम तो करेगा लेकिन हर एक एटम के ऊपर ये काम करेगा ही करेगा, ये बात कोई जरूरी नहीं है। तो एग्जैक्टली कार्बन के एक एटम का मास 12 है। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन की बात करने लगा तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है मेरे बच्चे, ध्यान में रखते हुए चलना है। कार्बन के एक एटम का मास 12 है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास
16 है। उसके बाद अगर मैं नाइट्रोजन की बात करने लगा तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 है। यहाँ पे कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स अपन ले रहे, कुछ चुनिंदा एटम्स अपन ले रहे, अपन सारे के सारे एटम्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि अपने को सारे एटम की यहाँ पे एटॉमिक मास की गरज भी नहीं है। अपने को नाइट्रोजन पता होना, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 है जिसको एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन बोला गया, एक अच एटम। अब देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन के बाद अगर मैं सल्फर की बात करने लगा तो सल्फर के एक एटम का मास 32 है, सल्फर के एक एटम का मास 32 है। और कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करने लगा क्लोरीन, मैं क्लोरीन की बात करने लगा तो क्लोरीन के एक एटम का मास 35.35 है, क्लोरीन के एक एटम का मास 35.35 है। बाद में अगर मैं सोडियम की बात करने लगा, मैं सोडियम की अगर बात करने लगा तो सोडियम के एक एटम का मास ये होता है 23, सोडियम के एक एटम का मास 23 है मेरे बच्चे। अगर यहाँ पर मैं कॉपर की बात करने लगा, कॉपर के एक एटम का मास होता है कॉपर के एक एटम का मास होगा 65.7 होता है, तो कॉपर के एक एटम का मास 65.7 है। तो इस तरह से ना जाने कितने सारे एटम उनके एटॉमिक मासेस के साथ अपन डील कर सकते हैं, लेकिन अपने को केमिस्ट्री के अंदर कुछ चुनिंदा एटम है इनके ही पता रहना चाहिए क्योंकि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं और उसके अंदर मेनली अपने को हाइड्रोजन पता होना, कार्बन पता होना, ऑक्सीजन पता होना, नाइट्रोजन पता होना, सल्फर पता होना, इससे अपना मैक्सिमम काम हो जाता है, इससे अपना मैक्सिमम काम हो जाएगा। तो ये हुई बच्चों एटॉमिक मासेस की लिस्ट। यहाँ पे अपन ने ये एटॉमिक मास की लिस्ट बनाया और डेफिनेशन में अपन ने देखे कि मोलार मास, बात चल रही है मोलार मास की, कि मोलार मास को कैलकुलेट करने के लिए एक एटम का मास अपने को होना, मतलब अपने को एटॉमिक मास होना। एटॉमिक मास पता चलने के बाद आसानी से अपन मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बुलाती है बात समझ में। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोलार मास। तो ये एटॉमिक मास है, यहाँ तक आप लोग कॉपी करके रखो। तो फिर मैं ये बताता हूँ कि इस एटॉमिक मास को यूज करके आखिरकार मोलार मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि एक बार अपन ने मोलार मास कैलकुलेट कर लिए तो आसानी से अपन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ तक कॉपी करके रखिएगा, फिर अपन देखेंगे कि मोलार मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो बच्चों, आई होप तो आपने कॉपी कर लिए होंगे। पॉज करके कॉपी करते हुए चलना, पॉज करना, कॉपी करना, फिर से प्ले करना। तो अभी यहाँ पे अपन जगह क्रिएट कर ले। चलो, तो इतनी जगह अपन ने क्रिएट कर लिए। अब देखिएगा मोलार मास के ऊपर सवाल कैसा आता है या मोलार मास अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ बच्चों। मान के चलो पहला क्वेश्चन अपने सामने कुछ इस तरह से आया, पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अपने को बोलता है द मोलार मास ऑफ, अपने को बोला है मोलार मास ऑफ, मोलार मास कैलकुलेट करने को बोला है। और मोलार मास बोलता है HCl का, मोलार मास ऑफ HCl इज, कि HCl का मोलार मास आखिर कितना है। HCl एक मॉलिक्यूल है, HCl को एक मॉलिक्यूल बोला जाएगा और मॉलिक्यूल का मास अपने को कैलकुलेट करना है, अपने को मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। और मॉलिक्यूल का मास मतलब मोलार मास है, मॉलिक्यूल का मास मतलब मोलार मास है। तो HCl का मोलार मास कैलकुलेट करना है, तो HCl का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए HCl के अंदर जो दो चीज़ें हैं उनका एटॉमिक मास मेरे को पता होना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.35 है, ये 35.35। तो यहाँ पे मुझे मोलार मास चाहिए HCl का, तो यहाँ पे लिखूँगा मोलार मास ऑफ HCl, मोलार मास ऑफ HCl। अब मुझे मोलार मास का डेफिनेशन पता है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है,
HCl के अंदर हाइड्रोजन का एक अच एटम है, तो यहाँ पे लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मैंने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन लिखूंगा। बाद में क्लोरीन का भी एक ही एटम है, तो यहाँ पे लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास लिख लिया क्लोरीन का। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मेरे को पता है जो 1 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.35 है, इसको कैलकुलेट करने लगा तो यह आएगा 36.5 आता है। लेकिन अब सवाल क्या उठता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये मोलार मास है बच्चों, इसको मोलार मास बोला जाएगा, और मोलार मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मोलार मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है कि अपन बात कर रहे हैं मोलार मास की, मोलार मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है बच्चों। देखा जाए तो बोला ये जाता है कि एटॉमिक मास यूनिटलेस है, एमयू में गिना जाता है, लेकिन किसी किसी किताबों में एटॉमिक मास ग्राम में लिखा हुआ है, लेकिन एटॉमिक मास को कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। लेकिन ये जो मोलार मास है, मोलार मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, ध्यान में रखते हुए चलना। अब देखो, मान के चलो दूसरा सवाल मेरे पास आया, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे को बोलता है फाइंड द मोलार मास ऑफ, या फिर व्हाट इज द मोलार मास, अपने को मोलार मास कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ H2SO4, अपने को H2SO4 का मोलार मास चाहिए, H2SO4 का मोलार मास कैलकुलेट करना है। तो अब देखो H2SO4 का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास तीन चीजों का एटॉमिक मास होना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना, उसके बाद सल्फर का होना, ऑक्सीजन का होना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अब यहां से मैं मोलार मास कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पर लिखता हूं मोलार मास ऑफ HCl, मोलार मास, ये मोलार मास है, और मोलार मास है H2SO4 का, सॉरी मैंने HCl बोला, ये मोलार मास है H2SO4 का। तो देखिएगा ध्यान से, अब इस H2SO4 के अंदर, ये जो H2SO4 है, इस H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन के दो आइटम है, H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन के दो आइटम है, लेकिन हाइड्रोजन के एक आइटम का मास मेरे को पता है, इसीलिए यहाँ पे दो आइटम होने के कारण मैं लिखूंगा 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने लिखा। अब लिखूंगा प्लस का साइन, अब बीच में प्लस का साइन, सल्फर का एक अच एटम है, सल्फर का एक ही एटम है, तो यहां पर लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर मैंने लिख लिया, बीच में फिर से मैंने प्लस का साइन लिखा, बीच में फिर से प्लस का साइन लिखा गया। लेकिन H2SO4 के अंदर सल्फर के 4 एटम है, इसीलिए यहां पर लिखूंगा 4 × एटॉमिक वेट, 4 × एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, 4 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मैंने ऐसा लिख लिया। अब देखिएगा बच्चों इसको सॉल्व मैं कैसे करता हूं, 2 को मैंने एज इट इज रखा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास मेरे को पता है जो 1 है, तो यहां पे 1, बीच में प्लस का साइन, यहां पे 32, यहां पे 32 आएगा, एटॉमिक मास है सल्फर का 32, तो यहाँ पे अपन ने 32 लिख लिए, बीच में प्लस का साइन लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। अब लिखेंगे 4 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया, जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसका आंसर आता है 98, इसका आंसर 98 आएगा, और ये है बच्चों मोलार मास, ये मोलार मास है, और मोलार मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मोलार मास का यूनिट है ग्राम पर मोल, तो ये भी चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब किताब के अंदर या बुकलेट के अंदर मोलार मास का कुछ अलग डेफिनेशन दिया होगा, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला होगा, GMM, लेकिन उसके साथ डील अपने को नहीं करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था इस मोल कंसेप्ट को, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे के वैसे ध्यान में रखने की कोशिश करना, ताकि आने वाले समय में इस मोलार मास को काफी अच्छे से अपन यूज कर सके। चलिए, तो मोलार मास अपन ने कैलकुलेट किए, अब मोलार मास के कुछ और एग्जांपल अपन लेंगे कि आखिरकार मोलार मास कुछ अलग अलग कंपाउंड का कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन मैं रहन देता हूँ और मोलार मास का डिफिनेशन अपन रहन देंगे, इतनी जगह मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, तो और कुछ क्वेश्चन देखे जाए कि आखिरकार मोलार मास को फिर से कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है,
अब मोलार मास को मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, फार्मूला नहीं भी लिखता हूँ तो भी मोलार मास आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर 3। मान के चलो अपने को मोलार मास होना, मोलार मास, और मोलार मास कैलकुलेट करना है CH4 का। अपने को मीथेन का मोलार मास होना, तो मीथेन का मोलार मास मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो अभी मीथेन का मोलार मास मेरे को होना, तो मेरे को कार्बन का एटॉमिक मास पता होना, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहाँ पे मोलार मास, यहाँ पे मोलार मास ऑफ मीथेन, मोलार मास ऑफ CH4 का मतलब मीथेन होता है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, तो 12 + 4 × 1 क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसा है, वेरी गुड मेरे बच्चे, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और जब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 12 + 4 तो ये आता है 16, और इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल, इसका यूनिट ग्राम पर मोल रहेगा। ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखो, मान के चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये आया द मोलार मास ऑफ NaCl, अपने को मोलार मास कैलकुलेट करना है, और मोलार मास बोला है NaCl का, अपने को NaCl का मोलार मास होना। अब NaCl का मोलार मास चाहिए, तो Na का एटॉमिक मास है 23 और Cl का एटॉमिक मास है 35.35। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, NaCl का जो मोलार मास है, Na का है 23, तो 23 + 35.5 ऐसा मैंने लिखा, तो यहाँ से NaCl का मोलार मास मेरे को पता चल गया। अब यहाँ पे 23 + 35 है, 23 + 35 तो ये हो जाएगा बच्चे 8, ये हो गया 8, 3 + 5 = 8 और ये 5, तो ये आता है बच्चे 58, ये आएगा 58.5, तो 58.5 और ये होता है ग्राम पर मोल में, इसका यूनिट अपन ने ग्राम पर मोल लिखे कुछ इस तरह से। अब देखिए क्या होता है, अब बच्चों सीन कुछ इस तरह से क्रिएट हो गई। मान के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, मेरे को चाहिए मोलार मास, अपने को मोलार मास चाहिए, और मोलार मास चाहिए CH3COOH का। इस CH3COOH को एसिटिक एसिड बोला जाएगा, दैट CH3COOH इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। अब अपने को एसिटिक एसिड का मोलार मास चाहिए, एसिटिक एसिड का मोलार मास चाहिए, तो इस CH3COOH को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ। इस CH3COOH के अंदर दो कार्बन है, तो मैंने C2 लिखा, यहाँ पे मैंने C2 लिखा। इसके अंदर चार हाइड्रोजन है, तो मैंने H4 लिखा, और दो ऑक्सीजन है, तो मैंने HO2 लिखा। CH3COOH के अंदर एसिटिक एसिड है, इसके अंदर दो कार्बन है, तो मैंने C2 लिखा। इसके अंदर चार हाइड्रोजन है, तो मैंने H4 लिखा। दो ऑक्सीजन है, तो मैंने O2 लिखा। अब इसका अगर मैं मोलार मास कैलकुलेट करने लगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन का 16 है। आसानी से मैं कैलकुलेट करूंगा, कार्बन के दो एटम हैं, तो 2 × 12 मैंने लिखा, प्लस हाइड्रोजन के चार एटम हैं, तो 4 × 1 मैंने लिखा, उसके बाद ऑक्सीजन के दो एटम हैं, तो 2 × 16 मैंने लिखा, तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 12 आया बच्चों, 12 + 4 और प्लस 16 × 32, ये 32 मेरे को दिखेगा, 16 होता है, 12 + 4 ये हो जाएगा 16, 16 + 32 तो इसका आंसर अपने सामने निकल के आएगा 48। तो अपने को पता चला कि एसिटिक एसिड का जो मोलार मास है वो 48 है, और 48 इसका यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि अपने को मोलार मास अगर कैलकुलेट करने आया, लेकिन उसके पहले अपने को कुछ एटॉमिक मासेस ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास के ऊपर से मोलार मास अपन ने कैलकुलेट किए, और जब अपन मोलार मास कैलकुलेट करेंगे तो उसी मोलार मास के हिसाब से अपन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, और उस नंबर ऑफ मोल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अपन फिर से कैलकुलेट कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम का मास अगर मेरे को दिया है। मान के चलो बच्चों ये पेन मेरे पास है, अब इस पेन के अंदर हजारों करोड़ों पेन के आइटम होंगे या हजारों करोड़ों पेन के मॉलिक्यूल होंगे। अब इस पेन का मास मेरे को दिया है, पेन का मास मेरे को दिया है, इस पेन का मास 10 ग्राम है, इस पेन का मास 10 ग्राम है मान के चलो, तो इस पेन के मास के हिसाब से मेरे को बताना है कि 10 ग्राम पेन के अंदर, 10 ग्राम पेन के अंदर पेन के कितने आइटम है, पेन के कितने आइटम है, क्योंकि पेन के अंदर करोड़ों आइटम पर कितने आइटम, तो मास के हिसाब से मैं इस पेन के अंदर कितने आइटम प्रेजेंट है, या पेन के अंदर पेन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या पेन के अंदर पेन के कितने आयन प्रेजेंट है, ये कैलकुलेट करने के लिए ही तो अपन नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें अपने को कैलकुलेट करना है, ताकि कल चल के अपन
पर्टिकुलर चीज़ के अंदर नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सके, नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सके। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। आप लोग यहाँ तक कॉपी करके रखिएगा। तो आप लोग बच्चों यहाँ तक कॉपी करके रखो, फिर अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल आखिरकार कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उस नंबर ऑफ मोल के हिसाब से और अपन कौन कौन से चीज़ों के साथ डील करेंगे। तो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, नोट साथ में बनाते हुए चलिएगा, बुकलेट को हाथ मत लगाइएगा। जब मैं बोलूँगा कि बुकलेट को हाथ लगाना है, कौन सा क्वेश्चन देखना है, तो तबज बुकलेट को हाथ लगाइएगा और तभी वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक आप लोग आर्टिकल देखो जो मैंने क्या क्या पढ़ाया, उसके नोट्स बनाना चालू कर दो। चलो बच्चों, तो बाकी का आर्टिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।